cards, the 10 jet green people, egg of diamond, are face apart with their face downward. One card is pick up at random. Then two question is, what is the probability card is green? And second is, if the green is draw and put aside, what is the probability the second card pick up is egg and then green? So first of all, given a total number of cards is what? One is 10, then J, Queen, King, and N. Okay, so total number of cards is what? 5. This is our total number of outcomes. Okay, this is 5. Okay, if one card is randomly chosen from these 5 cards, then first question is, what is the probability of card is green? Okay, so I write probability of getting card is green. So possible condition is green only. One time green possible. So M upon N, so simply 1, and total number of condition is 1. Okay, now in question second, if the green is drawn and put outside, इस ग्रीन को आपने ड्रो कर लिया है, पुट आउटसाइड में आगे फिक्स नहीं किया है, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स मैंने कितने हो गए, 10 जे पी ने आर, सो ही राइट ही दी ड्रो एंड पुट आउटसाइड द कार्ड ऑफ ग्रीन देन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स रिमेनिंग कितना हो गया आपके पास 4, बिकॉज ग्रीन ऑलरेडी आपने आउटसाइड एंड किया, सो 1, 2, 3, 4 कार्ड्स आपके रिमेनिंग। अब आपको इसमें भी 2 केस है, फर्स्ट केस में आपको फाइंड करना है कि ए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड इज ए, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक होगा इसमें 1 times 1 है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 4, ओके, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/4। नाउ इसका बी पार्ट भी आपको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड इज ग्रीन, सो ये क्या हुआ एम अपॉन एन। आपको आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ग्रीन को फाइंड करके उसको आउटसाइड रख दिया, तो रिमेनिंग 4 कार्ड्स में ग्रीन का कार्ड होगा नहीं होगा, ओके, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 4, ओके क्लियर। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15 बेस्ड ऑन कार्ड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट, 12 डिफेक्टेड पेयर आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 130 आपके पास 12 क्या है डिफेक्टिव पेयर, ओके, और 132 गुड पेयर, ओके, और ये दोनों क्या हो गए मिक्सचर हो गए, इट मींस टोटल चार्ज कितने हो गए 144 पेयर। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेयर एंड देन वेदर और डिसाइड इट इज डिफेक्टिव, इफ वन पेयर इज टेकिंग आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लोड डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेयर टेक आउट इज गुड वन। आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो मिक्सचर पूरा पेन है उसमें से अगर आपने वन पेन रैंडमली चूज किया है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पेन क्या होगा गुड होगा, ओके। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज क्वेश्चन नंबर 16 इज राइट गिवन डिफेक्टिव पेन्स, है ना, तो गिवन है डिफेक्टिव पेन्स इज इक्वल टू एंड गुड पेन्स is equals to 132. So total number of pens कितने हो गए? Good pen है, defective pen is 12 plus 132 is become 114. So this is our total number of outcome is what? 134. अब क्या बोला है आपको कि without या randomly हमने इसमें से one pen को choose किया है तो उसके आपको ये probability find करना है कि वो pen क्या होगा? Good condition का होगा। तो by right
therefore probability of getting pen is good one. Okay, good pen. तो इसकी क्या probability होगी? Total good pen कितने आपके पास? Number of favorable condition for good pen is 192 and total number of pen is what? 114. If we divide it by 12, so we get 12 by 12, 1 remaining again, 12 by 12, and it's 12. So 11 upon 12 is the possibility of getting pen is good. Suppose this question में आपको defective pen की probability find करना होगी, तो कैसे करते हैं? 12 upon 144 increase 1 upon 12. Clear? If
was in a two digit number. Okay, so two digit number ki wo digit ko aise probability find karna hai, second case mein find karna hai perfect square number. Okay, so perfect square number ko log ko find karna hai, and in third wala number divisible by 5. Okay, so first case ki baat kar raha hu main abhi, a two digit number. Okay.
उसमें आपके ये वाले लेटर राइट किए हुए हैं, ए बी सी डी ई एंड अगेन ए, ओके। ये सिक्स नंबर है आपके पास डाइस के फेस पर, मतलब 1 2 3 4 5, बिकॉज यू नो टोटल नंबर ऑफ फेस डाइस इज सिक्स। सो द डाइस इज ओवर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? ए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो सेकंड में डी। सो फर्स्ट तो students here. So this is our question number 19. Thank you.